पेपर को अच्छे से देखें तो आप ये पाएंगे कि उसमें 58 क्वेश्चंस आपके केवल किस चीज से, रीजनिंग से हैं। 58 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग से आए हैं। ठीक, 58 क्वेश्चन रीजनिंग से आने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका जो है रीजनिंग ने कवर किया है। और 58 क्वेश्चन रीजनिंग से आने का मतलब एक और भी है यहाँ पे कि उसमें से 4 क्वेश्चन आपके रैंकिंग टेस्ट से आए हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग 2-3 दिन में इसको कवर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आप में से अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ है। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आपकी आवाज़ जो है, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? गुड मॉर्निंग, क्या स्थिति है भाई? अगर आवाज साफ आ रही हो थोड़ा सा बोल दे कि हाँ आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी सही है, बता दे जरा सा। गुड मॉर्निंग, क्या स्थिति है? ओके, आ रही है ना, आवाज आ रही है, आप लोग लिख रहे हैं कि आवाज आ रही है। चलिए, तो इसका अगला फेज जो है वो हम लोग देखते हैं रैंकिंग टेस्ट का। पहले फेज में मैंने आपको बताया था अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, कि कैसे अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या को ज्ञात करते हैं। इसको मैंने आपको पहले फेज में क्लियर किया था। क्लियर। अब जो है अगला फेज जो है उसको हम लोग कहते हैं विकर्ण संबंध या स्थान प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध या स्थान प्रतिस्थापन, जिसको अब हम लोग देखने चल रहे हैं। बहुत सुबह है और काफी सुबह आज से आपसे रूबरू हुआ हूँ। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है टाइगरवीर थालुक चैनल पर। और इसी क्रम में कल आपसे जो है शाम को अजय उपाध्याय सर पॉलिटी के लिए रूबरू हुए, गौरव नरेंजनी सर भी आपसे रूबरू हो चुके हैं, संदीप सर आपसे लगातार रूबरू हो रहे हैं, अमरीश सर को आप चैनल पे देख ही रहे हैं, और आज प्रयाग शुक्ला सर विज्ञान के लिए और शेखर सर इतिहास के लिए भी आपसे शाम तक रूबरू होंगे। ठीक है, तो ये पूरी टीम जिसको आपसे धीरे धीरे रूबरू हो रही है, 1-2 दिन में आपसे मुलाकात करेगी। ठीक, जब पहला वीडियो, अब मैं आपसे बात करता हूँ, पहला वीडियो जब हम लोगों ने बनाया था, जो वीडियो था आपका रैंकिंग पर, ठीक है, रैंकिंग का पहला वीडियो जिसमें आपने देखा था अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करने में मैंने आपको बताया था कि अधिकतम संख्या SD+MD+BD और न्यूनतम संख्या SD-MD-2+BD, इस पर हम लोगों ने बात की थी। क्लियर, मैंने आपको सवाल भी सॉल्व कराए थे और लगभग लगभग उदाहरण भी दिए थे। तो विकर्ण संबंध शुरू करने से पहले पहले दो सवाल हम लोग उसके सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर अधिकतम संख्या निकालनी हो तो हम लोग कहते हैं SD+MD+BD, है ना, और न्यूनतम संख्या अगर निकालनी हो तो हम लोग कहते हैं क्या बताओ, SD-MD-2+BD। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं रैंकिंग का पड़ा हुआ है, वो रैंकिंग का पहला वीडियो जरूर देखें। जैसे ही आप लोग पहला वीडियो देखेंगे तो फिर आप लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसका एक हिस्सा जहां से 2 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हैं। देखिए अगर हम पिछले 4 पेपर्स को UPSI और यूपी पुलिस के देखें तो कम से कम 3 क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट से आपको जरूर आए हैं। क्लियर, परसों ही जो पेपर हुआ है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं 58 क्वेश्चन उसमें केवल रीजनिंग से हैं। रीजनिंग एक बहुत बड़े हिस्से को कवर कर रहा है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो 58 क्वेश्चन का अमाउंट केवल रीजनिंग से उसमें लिया गया है 58 क्वेश्चन का। ठीक है, 58 क्वेश्चन में जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं। मैंने आपको पहले दिन सिक्वेंस भी बताया था और बताया भी था कि कैसे इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, कि 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन चाहे आप UPSI का पेपर दें और चाहे UPP का दें, सीक्वेंस टेस्ट या रैंकिंग टेस्ट से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। इसका पहला वीडियो लाइव है, ऑलरेडी पब्लिक है, मैं आपको बना के परसों की क्लास में डाला था मैंने आपको पहला वीडियो। और पहले वीडियो में हम लोगों ने पूरा जो पहला पोर्शन है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, उसको देखा था कि हम अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज वाले वीडियो में हम लोग विकर्ण संबंध को शुरू करने चल रहे हैं, डायगोनल रिलेशंस या विकर्ण संबंध को शुरू करने चल रहे हैं। क्लियर, विकर्ण संबंध क्या होते हैं, विकर्ण संबंध किसी पंक्ति में कैसे बनते हैं, इस पर हम लोगों ने बात करनी है। उससे पहले मैंने परसों आपको जो पढ़ाया था उसके मैं दो सवाल आपको सॉल्व करा दूं, क्योंकि मैंने आपको केवल बेसिक मेथड दिया था। बेसिक मेथड देने के बाद उस पर हम लोग बात नहीं कर पाए थे, उसके सवाल सॉल्व हम लोग नहीं कर पाए थे। आइए देखिए, आप में से सभी लोग पूछ पूछ रहे हैं, धीरे धीरे सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी, चिंता मत करें। पहले यहां पर देखें, देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे यहां पर सामने आपको स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें लिखा है
एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से आठवें स्थान पर है और अजय अंत से पांचवें स्थान पर है। दोनों के बीच में यदि दो विद्यार्थी बैठे हो तो कुल विद्यार्थियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी मैक्सिमम नंबर की बात हो, अधिकतम संख्या की बात हो, मैक्सिमम नंबर की बात हो, अधिकतम संख्या की बात हो, तो हम कहते हैं एस डी प्लस एम डी प्लस बी डी, याद आ रहा है। और जब भी मिनिमम नंबर की बात हो, जब भी मिनिमम नंबर की बात हो, तो हम कहते हैं यहां पे एस डी माइनस एम डी माइनस टू और प्लस बी डी, एस डी माइनस एम डी माइनस टू प्लस बी डी, इसको हम कहते हैं न्यूनतम संख्या की जब भी बात हो तो हम इसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं। मैंने उस दिन आपको यह भी सिखाया था कि एस डी एम डी और बी डी होते क्या है, क्लियर। ये वाला पहला वीडियो है रैंकिंग फर्स्ट का। जो लोग आज जुड़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो रैंकिंग फर्स्ट का पहला वीडियो देख लें। और फर्स्ट वीडियो में ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, जिसके दो सवाल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं और नए कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर बाद आपके साथ लेकर चलता हूं। जैसे यहां पे लिखा है मैक्सिमम नंबर एस डी प्लस एम डी प्लस बी डी और मिनिमम नंबर है एस डी माइनस एम डी माइनस टू प्लस बी डी। अब अगर हम इसको देखें तो देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी है कि एम डी क्या है। बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या को हम लोग एम डी कहते हैं। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया है और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फिर ये फॉर्मूला कैसे बना था ये भी हमने बताया है, क्योंकि सवाल आपको केवल 2 से 4 सेकंड में सॉल्व करना है। कैसे? बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को एम डी कहते हैं, मध्य पद, ये 2 है, तो एम डी का मान यहां पर क्या हो गया, 2। अब देखिए, 2 स्थान और है, 1 8 है और 1 5 है। मैंने आपको बताया था एमडी फाइंड करने के बाद जो बड़ी संख्या है, एमडी फाइंड करने के बाद जो बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, बीडी। तो यहां पे बीडी बराबर क्या है, 8, और जो छोटी संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, एसडी। तो यहां पे एसडी बराबर कितना है, 5। अब अगर हम इसको देखें तो एसडी प्लस एमडी प्लस बीडी, इसका मतलब है 2 प्लस 8 प्लस 5, 8 5 13 2 15, तो यहां पे कितना हो गया, 15। तो अधिकतम संख्या हमारी कितनी हो गई, 15। अब चारों विकल्प में पहले 15 है, क्लियर। तो हम इससे आंसर नहीं कर सकते, अधिकतम संख्या हमारी 15 है। अब हमें अगर न्यूनतम संख्या निकाल ली है तो बताओ क्या है, एस डी माइनस एम डी माइनस टू प्लस बी डी, क्या है बताओ, एस डी माइनस एम डी माइनस टू प्लस बी डी। तो एस डी का मान यहां पे कितना है बताओ, 5। अब एम डी यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, 2। 5 माइनस 2 माइनस 2, एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी, और बी डी का मान कितना है बताओ, 8। अगर हम इसको देखें, 5 में से 2 गया कितना बचा, 3 बचा, और 3 में से 2 क्या बचा, 1। 1 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 9। तो यहां पे मान कितना हो गया, 9। तो एक संख्या हमारी क्या आई बताओ, 15, और एक संख्या हमारी क्या आई, 9। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पहला 15 और 9। ये सवाल आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, इस टाइप का एक सवाल आपके परसों वाले पेपर में है। अगर हमें अधिकतम और न्यूनतम संख्या निकालनी है तो हमें लाइंस खींचने की जरूरत नहीं है। पहले वाले वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को विस्तृत तरीके से आपको क्लियर किया है। आपको क्या करना है, केवल 3 टर्म्स को या 3 डिजिट्स को पहचानना है। किसके डिजिट को पहचानना है, एस डी एम डी और बी डी, है ना। मैं आज फिर बता दूं, एमडी हमेशा होता है मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, इसके बाद बचे हुए 2 अंकों को हम लेते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीडी, और जो छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसडी, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। आगे बढ़ के एक और सवाल इस कॉन्सेप्ट का लेते हैं। जैसे अब अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़े यहां पे, तो ये एक प्रश्न है, जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा है आप लोग भी आंसर करिए। इसमें लिखा है दूसरा प्रश्न है, देखिए यहां पे एक पंक्ति में प्रकाश आरंभ से 27वें स्थान पर और संजय अंत से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में 8 लोग हों तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। आप भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, बताइए। एक पंक्ति में लिखा है कि प्रकाश प्रारंभ से 27वें स्थान पर है और संजय अंत से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में 8 लोग हों तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। आप जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं, क्लियर करें प्लीज। मैं कमेंट बॉक्स के पास हूं, 5 2 2 से 10 सेकंड में आपका अंतर होना चाहिए। आइए
बताएं जल्दी से, तेजी से, क्विक आइए। ओके, देखिए अगर हमें सवाल को हल करना है तो यहां पे आप लोग देखिए कि एमडी का मान कितना दिया गया। यदि प्रकाश प्रारंभ से 27वें स्थान पर और संजन से 15वें स्थान पर है तो दोनों के बीच में 8 लोग हैं। तो देखिए बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को हमेशा हम क्या कहते हैं, एमडी। तो एमडी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी बताओ, 8। अब दो संख्याएं बची हैं, आपको तुलना करना है कि एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। बची हुई दो संख्या में आपको तुलना करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। गौर से देखिए, एक संख्या का मान है 27 और एक संख्या का मान बताओ कितना है, 15। जो छोटी है वो हमेशा एसडी होगी, एसडी बराबर 15। ये आप कब तय करेंगे, जब आप एमडी को फाइंड कर लेंगे। एमडी को फाइंड करने के बाद संख्याओं की तुलना कर लीजिए, ये बताओ कितनी है 15 और ये कितनी है बताओ, बीडी कितनी हो गई 27। अब आपको केवल मान रख देना है जल्दी से, तो यहाँ पे तो तीनों को जोड़ देना है, तो 15 और 8 कितना हो गया बताओ, 15 8 23, 23 और 27 कितना हो गया बताओ, 23 और 27 हो गया आपका कितना, 50। तो एक तो मान 50 हो गया, लेकिन तीन ऑप्शन में 50 है, इसलिए यहां से फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो आप कहेंगे एच डी यहाँ पे कितना है बताओ 15, एम डी कितना है 8 और बी डी कितना है 27। तीनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 50। अब मिनिमम नंबर अगर हम बात करें तो मिनिमम नंबर की बात जब हम करते हैं तो एच डी कितना है बताओ यहाँ पे 15, एम डी कितना है बताओ यहाँ पे 8 -2 और बी डी यहाँ पे कितना है बताओ, तो बी डी का मान यहाँ पे कितना है 27। अगर हम इसको देखें, 15 में से 8 गया कितना बचा बताओ 7 और 7 में से 2 गया कितना बताओ 5 और 27 बराबर कितना हो गया 32। तो आपका उत्तर क्या होगा, 50 और 32। ये आपका आंसर होगा 50 और 32। क्लियर है, आइए कितना आंसर होगा 50 और 32। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के दो सवाल मैंने परीक्षा में आए हुए आपको कराए, जिस कॉन्सेप्ट को मैं पिछली वाली क्लास में आपको क्लियर कर चुका था पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग रैंकिंग के एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। क्या कहते हैं, स्थान प्रतिस्थापन या तो विकर्ण संबंध। आइए इस पर बात करते हैं कि किसी पंक्ति का स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध क्या होता है और कैसे हम इन सवालों को लगाते हैं। आइए तो अब रैंकिंग के दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। पिछले 3 वर्ष के किसी भी यूपी एसआई या यूपी पुलिस के पेपर को आप उठा के देख लीजिए, इस चैप्टर से केस हिस्से से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। एक विकर्ण संबंध अगर हम किसी पंक्ति का बना लें, स्थान प्रतिस्थापन का रिलेशन बना लें, तो 3 प्रकार के प्रश्न हम लोग आराम से इससे हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध से 3 प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं यहां पर। क्लियर, जैसे एक सवाल है सामने देख रहे हैं, लिखा है विकर्ण संबंध बनाते कैसे। एक पंक्ति में राम आराम से 17वें स्थान पर एवं मोहन अंत से 27वें स्थान पर, जब दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो मोहन आराम से 14वें स्थान पर चला जाता है। पहले तो विकर्ण संबंध की कुछ शर्तें समझ लीजिए। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्या, स्थान प्रतिस्थापन पोजिशन इंटरचेंज या विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशन। स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध है ना, पोजिशन इंटरचेंज और डायगोनल रिलेशंस। गौर से देखिए मेरी इस बात को समझिए। देखिए मान लीजिए किसी पंक्ति के बारे में जब हम कोई सूचना दे रहे होते हैं तो इस सूचना को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। एक पंक्ति खड़ी है कुछ व्यक्तियों की, तो हम उस पंक्ति को संबोधित करते हैं पंक्ति के आगे से, पंक्ति के पीछे से हो सकता है, पंक्ति के बाएं से, पंक्ति के दाएं से हो सकता है, पंक्ति के ऊपर के हिस्से से, पंक्ति के नीचे हिस्से से हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम किसी पंक्ति के बारे में कह सकते हैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से। जब भी आप विकर्ण संबंध बनाए हमेशा ये एक बात याद रखिए, आपको दिशाओं को कभी भी नहीं लेना है, केवल और केवल आपको किसको लेना है, नाम को लेना है। दिशाओं से हम लोग विकर्ण संबंध नहीं बनाते, दिशाओं से विकर्ण संबंध बनाने बड़े कठिन हो जाते हैं। हम दिशाओं से विकर्ण संबंध ना बना के विकर्ण संबंध किससे बनाते हैं, नाम से बनाते हैं। नाम के आधार पर हम विकर्ण संबंधों को तय करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक पंक्ति में राम आराम से 17वें स्थान पर एवं मोहन अंत से 27वें स्थान पर। देखिए पहले हमें उस व्यक्ति के नाम को लिखना है हमेशा जिसके दोनों स्थान हमको दे दिए गए हों। जैसे यहाँ पे क्या है बताओ, राम और मोहन।
आप सबसे पहले उस व्यक्ति को देखिए जिसके दोनों स्थान हमें दे दिए गए हैं या दोनों स्थानों के बारे में हमें जानकारी दे दी गई है। क्लियर? जैसे मान लीजिए लिखा है एक पंक्ति में राम आराम से 27वें स्थान पर है और मोहन अंत से राम 17वें स्थान, मोहन 27वें। जब दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो मोहन आराम से 14वें स्थान पर। अब गौर से देखिए यहां पर किसके दोनों स्थान दे दिए गए हैं, मोहन के। जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हों आप सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे और जिसका एक स्थान दे दिया गया हो उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। इसका मतलब यह है सबसे पहले लेफ्ट में आप उस व्यक्ति के नाम को लिखेंगे जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हों और राइट में आप उस व्यक्ति के नाम को लिखेंगे जिसका नया स्थान निकालना हो। कभी भी प्रारंभ से, अंत से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। हमेशा हमेशा ध्यान रखिए विकर्ण संबंध का सवाल जब भी लगाएं, जब वस्तुओं और व्यक्तियों के नाम आपको दिए गए हों तो पहले उस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखिए जिसके दोनों स्थान आपको दे दिए गए हों और उसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखिए जिसका नया स्थान निकालना है। जैसे मान लीजिए लिखा है राम आराम से 17वें स्थान पर, मोहन 27वें। चलिए, तो मोहन जब 27वें पे है तो राम कौन से स्थान पर? 17वें। मोहन के रेफरेंस में, चूंकि मोहन का नाम इसलिए पहले लिखा क्योंकि दोनों स्थान दे दिया है, तो 17वें पर कौन है? राम। तो मोहन कितने पे? 27वें। तो राम को इधर लिखा 27, 17। फिर लिखा जब दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो मोहन आराम से 14वें स्थान पर आ जाते, ये कौन से स्थान पर आ गया? 14वें। अब हम विकर्ण संबंध बनाएंगे कैसे इस पंक्ति का, ये हमारी बात है। तो देखिए, हमेशा जो है जब हम किसी चीज को इस तरफ लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट और इस तरफ लिखते हैं तो क्या कहते हैं? राइट। हमेशा पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर चलना है, हमेशा पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर चलना है। मतलब जिसके दोनों स्थान दिए गए हों उस व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति की ओर चलना है जिसका एक ही स्थान दिया गया हो। क्लियर? जैसे यहां पे लिखा है मोहन कौन से स्थान पर? 27वें, और राम कौन से स्थान पर? 17वें। अगर हम इसको देखें 27 और 17, तो आप देखिए कितने की कमी आई या बढ़ोतरी हुई, प्लस भी हो सकता है माइनस। तो 27 से उसका स्थान 17 हो गया, इसका जो अंतर है वो कितना है? -10। इसका जो अंतर है वो कितना है? -10। हम लोग ये देख रहे हैं विकर्ण संबंध कैसे बनाते हैं। अब अगर ऊपर -10 है तो जो परिवर्तन ऊपर होगा वही परिवर्तन नीचे भी होगा। तो अगर ऊपर -10 है तो ये मान नीचे भी -10 ही होगा। तो 14 में से 10 गया तो कितना बचा बताओ? 4 बचा। कितना बचा? 4। फिर ध्यान से देखिए, पहले उस व्यक्ति का नाम जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हों, फिर उस व्यक्ति का नाम जिसका एक स्थान निकालना हो। हमेशा पहले व्यक्ति जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हैं उससे उस व्यक्ति की ओर चलना है जिसका नया स्थान निकालना है। अगर प्लस है तो माइनस है तो हम नीचे भी उतना ही माइनस करेंगे, अगर प्लस है तो हम नीचे भी उतना ही प्लस करेंगे। अब देखिए 14 था, -10 कितना हो गया? 4। अब ये पहला ये 4 आ गया, अगर तो अगर ये विकर्ण संबंध सही होगा तो दोनों विकर्णों के योगफल एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये विकर्ण संबंध सही होगा तो दोनों विकर्णों के योगफल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप बताइए 17 और 14 कितना हो गया? 31। और 27 और 4 कितना हो गया? 31। और 31 बराबर 31, अगर दोनों विकर्णों के योगफल बराबर हैं तो पंक्ति का विकर्ण संबंध बिल्कुल सही है और यहां से आप 3 उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे आपने विकर्ण संबंध सेट किया, यहां से 3 सवालों के उत्तर आते हैं। जैसे पहला सवाल यहां पे लिखा है आपका, नई स्थिति में राम का अंत से स्थान कौन सा होगा? तो ये देखिए आप ऑलरेडी निकल चुके हैं नया स्थान, ये कैलकुलेट आप कर चुके हैं वैसे भी। तो राम का अंत से नया स्थान कौन सा होगा? तो आप क्या कहेंगे बताओ? 4 होगा। तो आपका ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है यहां से, वो ये पूछा जाता है इनके बीच कुल कितने लोग होंगे। तो देखिए 3 प्रश्न इस सिक्वेंस में बनते हैं। एक प्रश्न बनता है नया स्थान, दूसरा प्रश्न बनता है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या होती है किसी एक विकर्ण का योगफल, किसी एक विकर्ण का योगफल, योगफल -1। कुल व्यक्तियों की संख्या होती है किसी एक विकर्ण का योगफल -1। ये होती है कुल व्यक्तियों की संख्या किसी पंक्ति में किसी एक विकर्ण का योगफल -1। अगर आपने विकर्ण संबंध बना लिया है तो इसका मतलब यह है कि या तो हम कह दें 27 + 4 किसी एक विकर्ण का योगफल -1 बराबर कितना हो जाएगा? 30। या हम दूसरे विकर्ण से इसको हल कर दें 14
प्लस 17 माइनस 1 बराबर भी कितना होगा 30। गौर से देखिए, या तो हम कह दें 27 प्लस 4 माइनस 1 बराबर 30, या हम कह दें 14 प्लस 17 माइनस 1 बराबर 30, है ना। तो यहां पे हम दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं, हमें केवल ये लिखना है किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस 1। आइए अब यहां पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो आपका आता है वो आता है कि दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या, बैठे व्यक्तियों की संख्या। तीन प्रश्न इस स्ट्रक्चर से बनते हैं और तीन से कोई एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर। दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर यह होती है किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। अब हम इस सवाल को लगाने के लिए कह सकते हैं कि जैसे मोहन के दोनों स्थान क्या है, 27 और 14। तो या तो हम मोहन के स्थान से ले रहे तो हम कह दें 27 माइनस 14 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 27 में से 14 क्या 13, 13 में से क्या कितना बचा 12। ये मोहन के स्थानों से ले लिया। या अगर हम राम के दोनों स्थानों से ले लें तो हम कह देंगे 17 माइनस 4 माइनस 1 बराबर भी क्या होगा 12। क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर से कुल तीन तरह के सवाल बनते हैं। पहला कौन सा, नया स्थान क्या होगा, दूसरा कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, और तीसरा दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब गौर से देखिए, हमेशा सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसके दोनों स्थान दिए गए, फिर उस व्यक्ति का नाम स्थान जिसका नया स्थान निकालना हो, हमेशा पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर चलेंगे, मतलब जिसके दोनों स्थान दिए गए उससे इसकी ओर चलेंगे। दिशाओं से कोई भी मतलब नहीं है, प्रारंभ से अंत से कोई भी मतलब नहीं है। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी क्या होगा माइनस, जो कंडीशन ऊपर प्लस है तो नीचे भी क्या होगा प्लस होगा। आगे देखिए आप, जो परिवर्तन ऊपर नीचे, नया स्थान निकाल लिया, जैसे ही नया स्थान निकलेगा विकर्ण संबंध बन जाएगा। विकर्ण संबंध कैसे मानेंगे सही है, अगर दोनों विकर्णों का योगफल आपस में बराबर है तो विकर्ण संबंध क्या होगा बताओ सही होगा, 27 4 31। अब पहला प्रश्न पूछा जाता है नया स्थान, तो वो आप फाइंड कर ही चुके हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कुल व्यक्तियों की संख्या, तो किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन। और तीसरा स्थान पूछा जाता है दोनों के मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, तो किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। जैसे अब यहां पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका दूसरा प्रश्न क्या था, पंक्ति में कुल, दूसरा प्रश्न था इसमें इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इनके बीच में व्यक्तियों की बैठे हुए की संख्या कितनी हुई 12। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए 12 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है बताओ, तीसरा क्वेश्चन यहां पे था पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने लोग होंगे, तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या हम लोग यहां निकाल चुके हैं, बताओ कितना हुआ 30। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या होगा 30। और हम एक विकर्ण संबंध से तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्लियर, एक विकर्ण संबंध से तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या ये जो बात मैंने आपसे की, क्लियर, जब बात मैंने आपसे की तो क्या है, तो क्या स्थिति है। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रद्युम्न दुबे जी, समीर जी, समीर जी कह रहे हैं लाइक तो बनता है, बिल्कुल लाइक बनता है ना, लाइक तो बनता ही है भाई, ऐसी क्या बात है ना। आइए, वेरी गुड, आप लोग आंसर सही कर रहे हैं यहाँ पे सामने से, है ना। तो यहाँ पर जो है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 3। तो एक स्ट्रक्चर, अगर एक स्ट्रक्चर हम विकर्ण संबंध क्लियर करें तो हम तीन प्रकार के प्रश्न यहां से आराम से रैंकिंग के क्लियर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको क्लियर किए यहां पर कि कैसे इनको करना है। क्लियर, बस करना क्या है, केवल विकर्ण संबंध को सही अरेंज करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसके दोनों स्थान और बाद में उस व्यक्ति का स्थान जिसके नए स्थान दिए गए। क्लियर, अब एक सवाल मैं फिर लेके आता हूं आपके लिए, अगला सवाल जिसको आप हल करेंगे, ये चीज आपको क्लियर है। क्लियर, आइए एक सवाल और मैं इस संबंध से कराता हूं और एक बार और इसको क्लियर करता हूं। ठीक, दो सवालों की प्रैक्टिस के साथ मैं इस टॉपिक को क्लियर करता हूं आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। आइए, जैसे एक और सवाल है अगला, अब इसका विकर्ण संबंध बनाना है। लिखा है एक पंक्ति में, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया, नीचे की लाइन साफ करनी पड़ेगी ना। लिखा है एक पंक्ति में
पढ़िए आप लोग सवाल को और जल्दी से विकर्ण संबंध बनाइए। एक एक मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं आपको विकर्ण संबंध बनाता हूं। एक पंक्ति में आरंभ से सीता 14वें स्थान पर हो, गीता अंत से 10वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेती हैं तो गीता आरंभ से 8वें स्थान पर आ जाती है। क्लियर है? 8वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए, अब वही तीन प्रश्न आपको क्लियर करने हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप विकर्ण संबंध को क्लियर करें। आइए आइए विकर्ण संबंध को क्लियर करें। लिखा है एक पंक्ति में आरंभ से गीता 14वें स्थान पर है और सीता 14वें स्थान पर, गीता अंत से 10वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करती हैं तो गीता आरंभ से 8वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए, ये तीन स्थिति आपको दी गई है। हेलो एवरीवन, क्या स्थिति है भाई? तेजी से बन गया अमित यादव जी, बन गया राजन सिंघल जी। मैं महान नहीं हूं, अशोक महान था। राजन सिंघल जी, मैं तो एक सामान्य हूं, अशोक बहुत महान था, है ना? और क्या बन गया कि नहीं, पहले आप ये बताइए। अगर बन गया तो फिर एक मिनट हो गया, मैं भी आपको बनाता हूं। मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा था? सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके दोनों स्थान दिए गए हैं। यहां आरंभ से अंत से कोई भी मतलब नहीं है। जैसे यहां पे एक सीता है और ये गीता है और फिर यहां पे कौन है बताओ? गीता। तो दोनों स्थान किसके दिए गए? गीता के। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? गीता को लिखेंगे, है ना? तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने किसको लिखा बताओ? गीता को। और फिर यहां पे किसको लिखा हम लोगों ने? सीता को। जिसके दोनों स्थान दिए गए उसको सबसे पहले और जिसका एक स्थान दिया गया उसको बाद में। प्रारंभ अंत से कोई मतलब नहीं है। अब बताओ क्या लिखा है? सीता जब 14वें स्थान पर थी तो गीता कब थी? 10। तो गीता 10 थी तो सीता कौन से थी? 14 पर। ठीक है, फिर यहां पे लिखा है जब दोनों स्थान परिवर्तन करते तो गीता आरंभ से कौन से पे पहुंच जाती है? 8वें पे। ये कौन से पे पहुंच गई? 8वें पे। अब देखो 10 14 8 इसके दोनों स्थान दिए गए हैं तो इस व्यक्ति से उस व्यक्ति की ओर चलेंगे जिसका एक स्थान दिया गया है। क्लियर? तो अब बताओ 10 14 बड़ा की घटा? बड़ा, बड़ा तो प्लस, ज्यादा हुआ तो प्लस और कम हुआ तो माइनस। क्या है बताओ? प्लस 4। ऊपर प्लस 4 है तो नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे बताओ? प्लस 4 कर देंगे। अब आप बताइए 8 में जब 4 जोड़ा तो क्या जोड़ा? 12। सॉरी, ये 12 हुआ। एक उत्तर आपका यहीं पे क्लियर हो गया। क्या ये नया स्थान है? लेकिन पहले आपको ये तय करना पड़ेगा क्या हमारा विकर्ण संबंध सही है। तो दोनों विकर्णों का योग बस देख लीजिए, 10 और 12 22 और 18 और 14 कितना हो गया? 22। और 22 बराबर 22, इसका मतलब हम लोगों के विकर्ण संबंध क्या है बताओ? सही बने हैं। हम लोगों के विकर्ण संबंध क्या है बताओ? सही है। अब अगर हम लोगों के विकर्ण संबंध यहां पर सही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है यहां पर क्या कि 22 बराबर कितना हो गया बताओ? 22 हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर हमें तीन क्वेश्चन यहां से हल करने हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहां से ये है, नई स्थिति में सीता का अंत से स्थान कौन सा होगा? 12। तो ये तो आपका पहले ही क्लियर हो गया, है ना? ये क्लियर है। दूसरा क्या है? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो मैंने कहा कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस 1। तो हम कह दें या तो हम इस विकर्ण को जोड़ दें 12 प्लस 10 माइनस 1, या हम इस विकर्ण को जोड़ दें 14 प्लस 8 माइनस 1, तो ये भी 21 हो जाएगा और ये भी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल, अच्छा इनके बीच, ये तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई, बीच के लोग बराबर क्या होते हैं? किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस 1। तो हम कहें 10 माइनस 8 माइनस 1, या हम लोग कह दें बताओ 14 माइनस 12 माइनस 1, है ना? किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस 1 बराबर बीच के लोग। तो 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया क्या बचा? 1। या तो यहां से निकाल लें और यहां से भी कितना आएगा? 1। तो हमारा ये वाला उत्तर क्या होगा बताओ? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। हाँ, तीनों तीनों के सेट में आप आंसर कर भी रहे हैं। तीसरा था आपका क्वेश्चन यहाँ पर, सीता और गीता के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं? तो साफ साफ देख लीजिए यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बताओ? 21। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 21, है ना? आइए, कुल व्यक्तियों की संख्या आप कितनी है बताइए? 21 है, 21। क्लियर? तो एक सवाल की और प्रैक्टिस करके इस सेगमेंट को खत्म कर लेते हैं। जल्दी से एक सवाल और लेते हैं। आप लोग लगातार सही आंसर दे रहे हैं। देखिए यहां पे आया आंसर, समीर जी का सही है, टोटल 12 के, वेरी क्लियर। आइए आगे चलते हैं और आगे एक बात करते हैं। यहां पे
देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहां पे। अब इस क्वेश्चन का जल्दी से आप सेट में आंसर करिए, जल्दी से प्लीज, जल्दी से विकर्ण संबंध बना के मैं चाहूंगा जल्दी से आंसर करें आप। एक क्वेश्चन हम लोगों ने परीक्षा का परसों कंफर्म किया था और दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तीन में से एक आना तय है आपके पेपर में, एक क्वेश्चन हम लोग आज कंफर्म कर रहे हैं। क्लियर? आइए क्या स्थिति है बताएं जल्दी से, विकर्ण संबंध बना के जल्दी से स्थिति को बताएं। आइए आकाश जी, मैं संदीप सर ले रहे हैं, लगातार क्लास लेंगे, 2 दिन से नेटवर्क ठीक नहीं था, है ना? आइए क्या स्थिति है बताइए। एक पंक्ति में राम आनंद से 12वें स्थान पर और रहीम, सबसे पहले बस इसको हिट करिए कि किसके दोनों स्थान दिए गए हैं, राम रहीम, और यहां पे बताओ क्या है, राम। अब दोनों स्थान किसके दिए गए हैं, राम। सबसे पहले उस व्यक्ति को लिख लीजिए जिसके दोनों स्थान दिए गए हो, और फिर उस व्यक्ति को लिखिए जिसका एक स्थान दिया गया है, नया स्थान निकालना है। तो हमने राम रहीम दोनों लिख लिया है ना, बड़ा धार्मिक प्रश्न है, सद्भावना वाला प्रश्न है। तो लिखा है 12, देखिए राम का स्थान कौन सा था, 12वां, तो रहीम का स्थान कौन सा था बताओ, 15वां। यही था कि नहीं? जब राम का स्थान 12वां था तो रहीम का स्थान कौन सा था, 15वां। फिर क्या लिखा है आपको, यदि वह दोनों आपस में स्थान बदले तो राम का स्थान कौन सा होगा, 18। तुरंत करिए, 12 + 3 = 15, तो 18 + 3 कितना हो गया बताओ, 21। तो नया स्थान कौन सा हो गया, 21। ये तो तय है, कैसे, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 12 और 21 = 33, 18 और 15 = 33, 33 = 33, इसका मतलब हमारा विकर्ण संबंध क्या है, सही है। विद इन अ सेकेंड सब सॉल्व करिए, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तुरंत आप लिखिए यहां पर क्या बताओ। पहला आंसर निकालते कुल व्यक्तियों की संख्या, तो आप कहेंगे 12 + 21 - 1 बराबर कितना हो गया बताओ, 12 और 21 कितना हो गया, 33, 33 - 1 बराबर कितना हो गया, 32। और बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी एक व्यक्ति व्यक्ति के जो है दोनों स्थानों का अंतर -1, तो 18 - 12 - 1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 18 में 12 गया 6, 6 - 1 बराबर कितना हो गया, 5। क्लियर? तो ये तीनों ही उत्तर हमारे आ गए, हम तीनों ही सवालों के ऑप्शन टिक कर लेते हैं। नई स्थिति में रहीम का अंत से स्थान कौन सा होगा, 21वां। तो पहला क्वेश्चन उत्तर हमारा क्या होगा, 21, 21वां, है ना, विद इन अ सेकंड। दूसरा सवाल हमारा क्या है बताओ, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 32। तो पहला उत्तर था हमारा 21, दूसरा उत्तर हमारा क्या हो गया बताओ, 32, है ना। और तीसरे उत्तर की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो तीसरा क्या है, राम और रहीम के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं बताओ, कितने व्यक्ति राम रहीम के बीच में है बताओ, 5। तो तीसरा उत्तर हमारा क्या है बताओ, 5। तो ये हमारा आया 5। तो एक विकर्ण संबंध से तीन तरह के सेट आपके क्लियर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों ही तरह के सेट पूछे जाए, इन तीन तरह के सेट में से कोई एक क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज के साथ पूछा जा सकता है, अगर हम पजल फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो सब पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने एक दूसरा टॉपिक खत्म किया जिसको हम लोग कहते हैं स्थान प्रतिस्थापन या तो विकर्ण संबंध। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के बैचेज के क्रम में, सिलेबस के क्रम में हम लोग लगातार जो है आपसे रूबरू हो रहे हैं 1-2 दिन, है ना। धीरे धीरे सारे टीचर आपसे मिल रहे हैं, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण कभी आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना, ये कुछ यूट्यूब की भी तकनीकी समस्या इस समय चल रही है, तो ये दिक्कतें थोड़ी सी आ रही है, ठीक। लेकिन हम लोग मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, आपके लक्ष्य के साथ, आपके साथ हैं। इसी क्रम में हम लोग सब लोग रूबरू हो चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम लोग रूबरू हों और लगातार आपसे मिल रहे हैं और आपके सुझावों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। एक सकारात्मक माहौल बनाइए, परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाने लगे हैं, फॉर्म को भरिए, तेजी से आगे बढ़िए, है ना, अपने सिलेबस को करिए। केवल 60 से 62 दिन का समय आपके पास है, क्योंकि चुनाव की वजह से हर निश्चित रूप से 5 से 6 जनवरी से आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, समय को जाया ना करें। जितनी लाइव क्लासेस चल रही हैं उनका लाइव क्लासेस में लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, है ना। कल 8 बजे में, 8 सवा 8 बजे फिर आपके सामने लाइव होऊंगा, है ना, सुबह में लाइव क्लास लूंगा आपकी, और 3-4 दिन में आपसे लगातार रूबरू रहूंगा, है ना। रैंकिंग को पहले मैं लाइव में आपका पूरा कवर करा देता हूं, ताकि 3 से 4 क्वेश्चन का सेगमेंट आप यहां से कवर कर सके। अमृत सर हिंदी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इस समय झारखंड गए हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, 1-2 दिन आपके बीच नहीं रहेंगे। संदीप सर लगातार मैथ पर आपके साथ काम कर रहे हैं, गौरव नरेंजन सर भी आपके साथ हैं, आप देखिए जीएस में उन्होंने कल पठार पर क्लास लिए, वो आज प्रयाग शुक्ला सर विज्ञान की क्लास आपकी लेंगे थोड़ी देर बाद, या तो 12 बजे तक विज्ञान की क्लास आपकी लेंगे।
और शेखर सर, कलाजय उपाध्याय सर ने भी देखिए क्लास ली, उन्होंने पहले अनुच्छेद से शुरुआत की राज्य के, तो लगभग 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 सारे टीचर आपसे रूबरू हैं, है ना। अब धीरे धीरे चीजों को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, तो सकारात्मक रहे, आराम से रहे, है ना। कभी नोटिफिकेशन जाता है नहीं जाता है बाद में देख लें। जो लोग आज जुड़े हैं, जो मैंने शुरुआत में सवाल सॉल्व कराए थे, वो पिछले वीडियो को जाके जरूर देखें, क्योंकि पिछला वीडियो उनका पहला वीडियो है। आपके कुछ सुझाव हो तो मैं आपके पास आ रहा हूं, बताएं। थैंक यू, फंटास्टिक लेक्चर, लवली। ओके, चलिए ठीक है। तो लाइक करते रहें, मस्त रहें, इंजॉय करें, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के लिए लक्ष्य को केंद्रित करें। हम पूरी टीम सशक्त आपके साथ है, टारगेट विद तालुक चैनल पूरा आपके साथ है, टेक्निकल टीम हमारी आपके साथ है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से काम करें और ईमानदारी से जो है हम काम कर रहे हैं। और कोई अगर आपके सुझाव हो तो आपके सुझावों का स्वागत है। और इसी क्रम में अब लगातार लोग आपसे आज भी जुड़ेंगे, कल भी जुड़ेंगे, है ना। जल्दी ही बैचेज के बारे में पूरी सूचनाएं, रन के बैचेज रनिंग के बारे में पूरी सूचनाएं आपको प्रदान की जाएंगी, है ना। आलोक सर स्वयं आके सूचनाएं आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। पढ़िए, सीखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पास होइए, जय हिंद बोलिए, मिठाई खिलाइए, है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Ha ha ha.